नाउ चुड लेट्स मूव ऑन टू दैक्स चाप्टर विच इज चैप्टर नंबर ट्वेंटी सेवन एंड द नेम इज़ मार्शल आर्ट्स तो यहाँ पर हम कुछ मार्शल आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे द टर्म मार्शल आर्ट रेफर्स टू वेरियस सिस्टम्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर कॉम्बैट स्पोज तो यहाँ पर ये जो मार्शल आर्ट है ये एक टर्म है जो है बहुत सारे सिस्टम्स को बताता है सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बताता है एंड इट प्रमोट्स सेल्फ डिफेंस इससे जो है सेल्फ डिफेंस सीखते हैं हम फिज़िकल फिटनेस सीखते हैं एंड मेंटल well तो इन तीनों चीज़ों के लिए मार्शल आर्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है लेट्स रीड अबाउट मार्शल आर्ट्स फॉर्म प्रैक्टिस द वर्ल्ड तो हमारा जो ये जो वर्ल्ड है इसमें अलग अलग पार्ट्स में आप देख सकते हो मार्शल आर्ट्स के बहुत सारे फॉर्म्स प्रैक्टिस किए जाते हैं तो लेट सी द फर्स्ट मार्शल आर्ट ओवर हिस्सर यू कैन सी द पिक्चर अ चाइनीज मार्शल आर्ट फॉर्म कुू सो ये जो है यहाँ पर पिक्चर है ये कुंगफू की पिक्चर है तो ये चाइनीज मार्शल आर्ट फॉर्म है इज एन अन आर्म्ड मोड ऑफ पर्सनल कॉम्बैट सो ये जो है अन आर्म मोड है पर्सनली क्या करना है लड़ाई करने की सेल्फ डिफेंस की इट लेस एम्फोसाइज ऑन कंसंट्रेशन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड मस्कुलर कॉर्डिनेशन इसमें क्या सिखाया जाता है यहाँ पे कॉर्डिनेशन सिखाया है मीन सबसे पहले तो कंसंट्रेशन सिखाया जाता है फिर कैसे सेल्फ डिसिप्लिन रखना है वो सिखाया जाता है और फिर मस mus मसल्स को कैसे कॉर्डिनेट करना है राइट right टाइम पे कौन सा काम करना है या कौन से स्टेप को फॉलो करना है दिस इज टॉथ ही often equated with karate and taekwondo it requires deep observation of human anatomy and physiology so ye jo game hai ye jo sport hai kung fu ise jo hai karate aur taekwondo se joda jata hai और, और इसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा गहरी observation रखनी होती है human anatomy की means कौन सा movement next होगा और फिजियोलॉजी की द वेरियस मूवमेंट्स इन कौ फू आर इमिटेटेड ऑफ द फाइटिंग स्टाइल ऑफ एनिमल्स यहाँ जो कोंग फू में बहुत सारे जो मूवमेंट्स है वो एनिमल से लिए गए हैं उनके फाइटिंग स्टाइल से लिए गए हैं नेक्स्ट इज कैपोरी एंड इट इज़ अ ब्राज़ीलियन मार्शल आर्ट फॉर्म ये ब्राज़ीलियन मार मार्शल आर्ट फॉर्म है इट इज़ अ ग्रेसफुल फ्लूड एंड एकटिक फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसप्लिन ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल है फ्लूड है और एक्रोबैटिक फॉर्म है मार्शल आर्ट्स का सेल्फ डिफेंस का एसोसिएटेड विद द कंट्रीज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और ये जो है कंट्री का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर है इट इन्वॉल्व रेपिड लेग मूवमेंट एंड एरियल सामस सॉल्स विद अ डांसर डिसन एंड इज परफॉर्म टू कोरल सिंगिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ये जो मार्शल आर्ट है इसमें leg movement rapid है, लेग मूवमेंट रैपिड होते हैं मीन जल्दी जल्दी लेग मूवमेंट की जाती है एंड कुछ एरियल सामासोल्स होते हैं मीन्स हवा में उड़ते हुए कुछ सामासॉल्स होते हैं कुछ टेक्निक्स मूवमेंट्स होते हैं जिस ऐसा लगता है जैसे कि कोई डांसर परफॉर्म कर रहा हो इसमें जो है कोरल म्यूजिक uh, सिंगिंग uh, भी चलती है लोग सिंग भी करते रहते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले किए जाते हैं तो ये ऐसा मार्शल आर्ट है जिसे सब एंजॉय भी कर रहे हैं नेक्स्ट इज अ कोरियन आर्ट ऑफ अन आर्म्ड कॉम्बैट तो ये जो है नेक्स्ट मार्शल आर्ट है ये एक कोरियन आर्ट है जिसका नाम है तयवान्डो स्टार्ट्स फ्रॉम द आर्ट ऑफ किकिंग एंड पंचिंग ये जो है ये जो मार्शल आर्ट्स है इसमें किकिंग और पंचिंग दोनों सिखाई जाती है इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ हाई जम्प किक्स इसमें हाई जम्प किक्स सिखाए जाते हैं पंचे सिखाए जाते हैं एंड ब्लॉकिंग टेक्निक सिखाई जाती है एंड इज प्रैक्टिस फॉर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस किया जाता है सेल्फ डिफेंस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इसमें सेल्फ डिफेंस और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दोनों सिखाई जाती हैं इट बिकेम एन ओलंपिक मेडल स्पोर्ट्स एट द 2000 सिडनी गेम्स 2000 सिडनी गेम्स में से जो है ओलंपिक मेडल स्पोर्ट्स में कंसिडर किया गया नेक्स्ट इज अ ट्रेडिशनल जैपनीज स्टाइल ऑफ फेंसिंग ये एक ट्रेडिशनल जापनीज स्टाइल है फेंसिंग का ये स्पोर्ट है जिसका नाम है केंडो। मीन्स द वे ऑफ अ सॉर्ट मीन्स ये सॉर्ट जैसे सॉर्ट मीन्स तलवार होती ना वैसे ये गेम खेला जाता है आप देख सकते हो इनके हैंड्स में भी इट इज डिराइव फ्रॉम द फाइटिंग मेथड्स ऑफ द एंशियन समुराई इस गेम को या इस स्पोर्ट को निकाला गया है जो पुराने एंशियंट सामुराय गेम्स थे या जो स्पोर्ट्स थे उससे लिया गया है एंशियन समुराई से एंड इन वोल्व द यूज ऑफ आर्मर एंड टू हैंड्रेड वुड इन कॉल द शिनाई इसमें जो है वुड से बने हुए इसमें जो आर्मर्स यूज किए जाते हैं आप यहां देख सकते हो जैसे इनके हैंड्स में है एंड टू हैंडेड वुडन इन सोट बना होता है तलवार होती है वुडन से तलवार होती है जिसका नाम होता है शिनाई विच इज मेड ऑफ बैम्बू ये बैम्बू स्टिक से बनी हुई तलवार होती है द मार्शल आर्ट फॉर्म इज सीन एज अ means ऑफ cultivating डिसिप्लिन ये जो मार्शल आर्ट्स है इसकी जो मेन आप कह सकते हो खासियत है वो है डिसिप्लिन पेशेंस एंड for बिल्डिंग कैरेक्टर तो ये जो मार्शल आर्ट्स है हमें डिसिप्लिन सिखाती है पेशेंस कैसे रखना है वो सिखाता है और कैसे हमारा कैरेक्टर बिल्ड करना है ये भी सिखाता है नेक्स्ट मार्शल आर्ट is मे थाई एंड इट इज द नेशनल स्पोर्ट एंड ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ थाईलैंड सो ये एक नेशनल स्पोर्ट भी है और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है थाईलैंड का फाइटर्स आर अलाउड टू यूज द फीट फाइटर्स को उनके फीट अलाउ किए जाते हैं यूज करने के लिए आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे कैसे ये अपने फीट से क्या कर रहे हैं इस गेम को खेल रहे हैं

ट्वेंटी तक वेन इट वॉज वि रेट वॉज टू हाई अब जो है इसे वहां से हटा दिया गया क्यों क्योंकि जो इंजरी रेट था वो काफी बढ़ गया था गैलेक्सी चैंपियंस हु इंटरनेशनल स्टाइल बॉक्सिंग चैंपियंस तो ये जो दो चैंपियंस हैं इन दोनों चैंपियंस ने ये चैंपियनशिप जीती थी और बाद में जाके बॉक्सिंग बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में मीन जो इंटरनेशनल स्टाइल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का वहाँ पे उसके पार्ट बन गए थे नेक्स्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म कलारे पट्टू ऑरिजिनेटेड इन केरल सो ये एक पुराना तरीका है मार्शल आर्ट का इसका नाम है कलारेपट्टू जो कि केरल से स्टार्ट हुआ था एंड डेट्स बैक मोर देन टू थाउजेंड ईयर्स और ये दो हजार साल पहले स्टार्ट था इट ड्रॉज इट्स इंस्पिरेशन फ्राम द पावर स्ट्रेंथ एंड टेक्निक ऑफ़ एनिमल्स तो ये जो है ये जो स्पोर्ट्स है ये एनिमल्स से इंस्पायर होकर बना जिसमें उनके पावर उनके स्ट्रेंथ और उनकी टेक्निक्स को यूज़ किया गया है इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स एंड पोस्टर्स विच आर ने इसमें जो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं और पोस्टर्स हैं जो एनिमल्स के नाम के बाद लिए गए हैं नाउर मार्शल आर्टिस्ट तो ये जो है कुछ मार्शल आर्टिस्ट हैं आपको क्या करना है इनके नाम बताने हैं सो ये फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ रूसली सेकेंड इज माइकल जय वाय And similarly, you have to identify the rest three pictures that are given here.